हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम, राइट? आप सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे ज्ञानम डिफेंस एकेडमी में, राइट गाइस? तो चलते हैं, कुछ चीज़ें शुरुआत करते हैं. आज हम लोग CDS के प्रोफेसर पेपर के रीअरेंजमेंट लेके आए हैं. देखिए, ग्रामर पार्ट हम डिस्कस करेंगे नो डाउट, और आपको बहुत सारे चैनल्स में मिल भी जाता है, बहुत सारी जगह पर पढ़ने को भी मिल जाता है. लेकिन जो रीअरेंजमेंट है, क्लोज टेस्ट है, ये सब चीज़ें हैं, इनको समझाना थोड़ा ट्रिकी होता है. तो शायद कई लोग इससे बचते हैं या कटते हैं, राइट? तो चलिए, एक कोशिश है आप लोगों के सामने लेके आए. ट्रिक्स नहीं होते, ये कंसेप्चुअल अप्रोच होता है कि जब सॉल्व करते हैं तो आपके कंसेप्ट्स कैसे काम करते हैं, आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपका नॉलेज कितना आपके पास, वो सारा एक साथ यूज होता है. ठीक है जी, तो कुछ क्वेश्चंस 2019 के आए हुए हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करने वाले हम लोग. तो जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये है, कहता है कि आपके पास, अच्छा एक चीज नोटिस करिए, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है गाइस, दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस एंड दिस इज योर लास्ट सेंटेंस. याद रखिएगा, अधिकतर क्या होता है, जो नए स्टूडेंट्स एग्जाम देने बैठते हैं, जो पहली बार एग्जाम देने बैठते हैं, उनको लगता है कि ये फर्स्ट और ये सेकंड है. जी नहीं, ये ऐसा नहीं है. अगर आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ कि ये आपका क्या है गाइस, ये आपका S1 यानी स्टेटमेंट 1 और ये S6 यानी आपका स्टेटमेंट 6 स्टेटमेंट है, यानी ये सबसे आखिरी स्टेटमेंट होगा. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश मत करिएगा कि इसके बाद ये आना चाहिए, ऐसा नहीं है. आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद यहां से आपको जो भी मिलता है, कि जो भी आपको क्लू मिलता है, हर सेंटेंस में कोई ना कोई क्लू छुपा होता है, आपको उस क्लू को देखना है. आपको क्या करना है, उस क्लू को देखना है और जज करना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, यानी इससे इस यहां से क्या आइडिया मुझे मिलेगा जो अगले सेंटेंस में हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. ठीक है जी, देखते हैं. कहते हैं द मास्टर ऑलवेज सेज रिफ्यूज टू बी मिजरेबल. अब मेरे पास इस पैराजंबल को सॉल्व करने के दो तरीके स्टूडेंट्स. पहला तरीका यह है कि मैं सारे सेंटेंसेस को पढ़ूं और फिर उसमें आइडियाज या क्लूज निकालने की कोशिश करूं. लेकिन हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं. क्या मैं ऑप्शन पढ़ सकता हूं, जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं में से एक आंसर होता है. ठीक है, तो वो आपको बहुत बेहतर हिंट देते हैं कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. जैसे अगर आप ऑप्शन पे फोकस करें तो जो आपका ऑप्शन ए है और ऑप्शन जो आपका डी है, ये दोनों आर से स्टार्ट होते हैं. दोनों कैसे स्टार्ट होते हैं, आर से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले इसके बाद S1 के बाद मैं पहले आर पढ़ूंगा. कहते हैं मास्टर ऑलवेज सेज रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, लाइफ कैन बी पेनफुल बट इट नीड टू बी सोरफुल. ये क्या हो सकता है, क्या मेरा आंसर, क्या ये मेरा आंसर हो सकता है, सोचिए. अच्छा दूसरा, अच्छा आर अगर मैंने मालूम पढ़ लिया, लाइफ कैन बी पेनफुल बट इट नीड नॉट बी सोरफुल, तो आर के बाद आपके पास यहां पर जो ऑप्शन आ रहा है गाइज, आपके पास जो यहां पर ऑप्शन आ रहा है, जो बस यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो आप देखिए पहला तो दोनों का आर कॉमन है, तो उसके बाद ये फर्स्ट है, सेकंड देखिए कि दोनों में क्या है, इसमें एस आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है. तो आर के बाद कौन सा आएगा, क्यू जाएगा या एस जाएगा. कहता है लाइफ कैन बी पेनफुल बट इट नीड नॉट बी सोरोफुल, तो यहाँ पे अगर सोरोफुल की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है, दुख की बात कर रहा है, परेशानियों की बात कर रहा है, यानी चैलेंजेस की बात कर रहा है, जो जो कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है उनकी बात कर रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस होगा वो वही सेंटेंस होगा जहाँ पे चैलेंजेस की बात की जाएगी या दुख या परेशानियों की बात की जाएगी. तो मैं अगर एस को पढ़ता हूँ, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी फाइन, अच्छा सोरोफुल को तुरंत हैप्पी की बात तो नहीं करेंगे हम लोग. अच्छा तो मैं आर के बाद एक बार क्यू पढ़ लेता हूं. आर के बाद मैंने क्यू पढ़ा, चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग एंड द करेजियस एंड इफ लाइफ ब्रिंग्स यू सच अपॉर्चुनिटीज देन टर्न फेलियर्स इनटू सक्सेस. बेहतरीन बात है. कहता है कि लाइफ हमेशा पेनफुल हो, ये जरूरी हो सकता है लाइफ पेनफुल हो लेकिन हमेशा दुखी हो, दुख से भरा हो, ऐसा नहीं हो सकता. कि अगर आपके सामने कोई चुनौती आती है तो मजबूत बनिए, उनका सामना करिए, और जब आपके सामने जिंदगी कोई मौका लेके आए तो उससे आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए, है ना, तब जाके आपके जो फेलियर्स हैं वो सफलता में बदल जाते हैं. यानी क्या, अब यहाँ पे सोरोफुल था और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, चैलेंजेस की, तो इन दोनों में कोई ना कोई आइडिया मैच कर रहा है. तो अगर मैं आर के बाद क्यू के लेके चलता हूं तो कहीं ना कहीं गाइस ये मेरा आंसर होगा. देखते हैं, मैंने कहा इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी फाइंड ओकेजंस टू बी चीयरफुल. उसके बाद पी देखिए, बिफोर यू फॉल इनटू सेल्फ पिटी, आपको क्या बनना है, आपको चीयरफुल बनना है, खुश रहना है, इससे पहले कि आप भाई अपने ऊपर दया दिखाएं या दूसरे आरोप लगाएं. याद रखिए, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स Only to those who feel responsible. जिम्मेदार बस उनके पास आती है जो जिम्मेदार होने के जो होते हैं या अपने आप को जिम्मेदारियां महसूस करते हैं. And this is the art of right contact in life. ठीक है जी, तो मेरा जो आंसर है वो है डी. माई फर्स्ट आंसर इज डी ऑप्शन. ठीक है जी, आगे चलते गए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से भैया, गांधी जी रीच न्यू कैसल एंड टुक चार्ज ऑफ द एजुटेशन. ये मेरा पहला क्वेश्चन है.
एजिटेशन क्या होता है? एजिटेशन कोई ना कोई मूवमेंट होता है, कोई ना कोई आंदोलन की जो शुरुआत होती है उसको कहा जाता है एजिटेशन। ठीक है जी, ऑप्शंस फिर से मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करता हूं, मुझे एग्जाम में टाइम भी बचाना, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो मैं पहले ऑप्शंस को पढ़ लेता हूं। मेरे दो ऑप्शंस है गाइस, ए ऑप्शन है मेरे पास और मेरे पास जो सी ऑप्शन है वो दोनों क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले क्यू पढ़ लेता हूं। द एम्प्लॉयर्स रिटेलिएटेड बाय कटिंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द वर्कर्स क्वार्टर्स दस फोर्सिंग देम टू लीव। यानी क्या यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वर्कर्स की बात कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं उनकी बात की जा रही है। और एम्प्लॉयर्स यानी क्या, जिन्होंने उनको रोजगार दिया था या जिन्होंने उनको नौकरी पे रखा था उन्होंने क्या किया? अगर यहाँ पे एजिटेशन हुआ, एजिटेशन यानी क्या आंदोलन हुआ, तो जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका विरोध कैसे किया कि जो नौकर जो सर्वेंट जो एम्प्लॉय थे जो उनके कर्मचारी थे उनके घरों का बिजली पानी को काट दिया है ना। जब काट दिया तो भाई ये क्यू ऑप्शन आता, तो क्यू वाला तो ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है, यानी कि ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि आर आएगा या पी आएगा, तो आर की बात करते हैं। गांधी जी डिसाइडेड टू मार्च दिस आर्मी। अभी आर्मी किसकी बात कर रहा भैया? ये आर्मी है कौन सी? वर्कर्स की। किसकी? वर्कर्स की। यानी क्या ओवर 2000 मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब ये सब कौन है? एम्प्लॉयज है और उनका परिवार है, तो इसी को उन्होंने क्या शब्द दे दिया? आर्मी। अब मार्च यानी क्या? उनको लेके जाना है, उनको रास्ता दिखाना, किसी तरफ लेके जाना। तो क्यू के बाद अगर आर आ रहा फिर देखते पी। ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स यानी क्या? जब ये मार्च कर रहे थे गांधी जी को अरेस्ट किया गया, दो बार रिलीज किया गया, फिर अरेस्ट किया गया और उनको थर्ड टाइम जेल में भेज दिया गया। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ? द मोरल ऑफ द वर्कर्स हाउएवर, हाउएवर यानी कि ये कंक्लूसिव वर्ड होता है हाउएवर। जब भी कहीं पे हाउएवर पढ़ेंगे तो आप देखिए खास करके क्या होता है, किसी सेंटेंस का कॉन्ट्रास्ट होता है, इसके पहले कोई ना कोई सेंटेंस आएगा और अधिकतर समय पे ये क्या करता है, आपको कंक्लूजन दिखाता है। तो क्या कहता है? द मोरल ऑफ द वर्कर्स हाउएवर वाज वेरी हाई एंड दे कंटिन्यू टू मार्च टिल दे वर प्रोसिक्यूटेड एंड सेंट टू जेल। यानी अगर मेरा ये फर्स्ट आंसर मैं बोल दूं, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर है, तो बिल्कुल सही। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्सेज इन द मॉडर्न वर्ल्ड सोशलिज्म वॉज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो देखिए हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सोशलिज्म की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोशलिज्म की बात हो रही है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ था? जब उद्योग क्रांति आई थी आपके यूरोप में, तो आपके जो भाई इंडिया अफ्रीका या जो बाकी देशों को जो कॉलोनी बनाया गया था, जहाँ से रिसोर्सेज को सक किया जाता था और यहाँ पे अपने माल को बेचा जाता था अंग्रेजों द्वारा, तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही एक देन है। तो कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो हुआ क्या? कहता था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो यानी अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है तो यहाँ पे भी ये सेंटेंस में भी क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। कहता सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन कैसे होगा, इसका उत्तर था क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी एस वाला ढूंढिए, एस वाले आपके पास दो ऑप्शन आते हैं बी और सी, तो कौन सा आपका आंसर होगा? यानी एस के बाद आर होगा। देखो दोनों ऑप्शन में एस के बाद आर है, तो कहता है कि एस के बाद आर क्या? इट जनरेटेड न्यू वेल्थ। इट का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे इट का मतलब है क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इट जनरेटेड न्यू वेल्थ बट एज दिस न्यू वेल्थ ओनली वेंट टू अ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी यानी केवल अमीर लोग की संख्या बहुत कम थी और सिर्फ उनके पास धन जा रहा था। इट कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्या भाई जो धन था केवल बहुत कम लोगों के पास जा रहा था, सबके पास बराबर धन नहीं बढ़ रहा था। सोशलिज्म क्या कहता है? सोशलिज्म कहता है कि सबके पास बराबर धन संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अभी कहता है कि द गल्फ, गल्फ यानी खाई, यानी इसका कहा गया एस आर क्यू, गल्फ बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स। यहाँ पे जो हैव्स होता है ये किसको कहा गया है? हैव्स कहा गया है रिच लोगों को, जो अमीर लोग हैं उनको कहा गया है रिच, और जो हैव नॉट्स उनको कहा गया है पुअर। तो यहाँ पे रिच और पुअर की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है जो अमीर और गरीब उनके बीच खाई क्या है? बढ़ती चली गई। अगर खाई बढ़ती चली गई तो दैट मीन्स वॉट? दैट मीन्स वॉट यानी इसके बाद क्या आएगा? एस आर और क्यू, तो मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यही मेरा आंसर है। दिस ऑप्शन इज माई आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास आता है, कहते हैं इंस्टीट्यूशंस डिफाइन एंड प्ले अ रेगुलेटरी रोल विद रिगार्ड टू ह्यूमन बिहेवियर। यानी जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं? आपका व्यवहार कैसा होगा उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक, अच्छा ऑप्शन देख लीजिए, आपके दो ऑप्शन है जो क्यू से स्टार्ट होते हैं, हम लोग पहले प्राथमिकता क्यू को देंगे। दे शेप प्रेफरेंसेस पावर एंड प्रिविलेज, यानी यहां पे दे किसकी बात कर रहा है? इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है, तो जी हां क्यू आपका आंसर हो सकता है। फिर क्या कहता है? दे शेप प्रेफरेंसेस पावर एंड प्रिविलेज, उसके बाद क्यू के बाद एक आता है आर, एक आता है एस। आर क्या कहता है? द सेम टाइम इंस्टीट्यूशन देमसेल्व्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द पॉलिटिक्स दे प्रोड्यूस एंड सच ट्रांसफॉर्मेशन कैन अफेक्ट सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर। अब मेरे ख्याल अगर यहां पे दे शेप प्रेफरेंसेस पावर एंड प्रिविलेज की बात कर रहा है तो उसके बाद मेरे पास आल्सो प्रोवाइड की बात करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों आल्सो प्रोवाइड? क्योंकि
ऑल्सो शब्द कब आता है कि भाई ये तो प्रोवाइड कर ही रहा है, ये तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ दे भी दे रहा है। अगर हम बीच में आर को लेके आएंगे तो अभी ऑल्सो वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑल्सो जो एडवर्ब उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। तो अगर मैं क्यू के बाद एस को रखता हूँ, एस के बाद आर, ऑल्सो प्रोवाइड सेंस ऑफ ऑर्डर एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, फिर क्या कहता है एस के बाद आर एट द सेम टाइम, ये तो दे रहा है लेकिन उसी साथ साथ वो खुद भी ट्रांसफॉर्म होता है, जो पॉलिटिक्स प्रोड्यूस करता है उससे वो ट्रांसफॉर्म होता है और सोशल नॉर्म्स को और बिहेवियर को इंपैक्ट करता है। ठीक है, वंस एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन सेट अ डायनेमिक रिलेशनशिप विद द मेंबर्स कंस्टिट्यूटिंग देम एंड दे म्यूचुअली अफेक्ट ईच अदर। कहते हैं एक बार कोई संस्था एस्टैब्लिश हो गई तो उसके बाद वो एक दूसरे के जो साथ जो व्यवहार है उसका इंपैक्ट भी पड़ता है। तो मेरा आंसर क्या होगा, इसमें मेरा आंसर होगा कहां गया क्यू फिर एस, क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी, तो दिस इज माई आंसर। तो गाइज ये मेरा आंसर है, राइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कहते idioms आर अ कलरफुल एंड फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अच्छा फिर हम ऑप्शन देखें तो मेरे पास दो ऑप्शन आर से आ रहे, तो हमेशा मैं पहले किसको प्रेफरेंस दूंगा, आर को पढ़ूंगा। इन एडिशन idioms often have a stronger meaning than non-idiomatic phrases। अच्छा अब आर के बाद क्यू आएगा एस आएगा, ओके आर के बाद हम लोग अगर क्यू पढ़े तो क्यू क्या होता है, दे आर कॉमनली यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस इनफॉर्मल फॉर्मल स्पोकन एंड रिटन। तो इन एडिशन तो हम लोग नहीं, इन एडिशन से स्टार्ट नहीं होता सेंटेंस, इन एडिशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पहले आपको कुछ कुछ बोलना पड़ेगा, कोई लोग आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, आर से मेरा ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता। अब जरा देखते हैं जरा देखते हैं आगे, कहता है कि अच्छा देखते हैं क्या क्यू से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, दे आर कॉमनली यूज। अच्छा अगर मैं बोलता हूं कि फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है तो उनका इस्तेमाल कहां होता है मैं बताऊंगा, कहता है दे आर कॉमनली यूज ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज फॉर्मल इनफॉर्मल स्पोकन एंड रिटन। तो जी हाँ ये मेरा एक हो सकता है, अगर इससे मेरा सेंटेंस फिर पी पढ़ लेते हैं एक बार, पी क्या बोलता है कि योर लैंग्वेज स्किल्स विल इंक्रीज रैपिडली इफ यू कैन अंडरस्टैंड idioms एंड यूज देम confidently and correctly, बिल्कुल सही। उसके बाद एस क्या कहता है, one of the main problems students have with idioms is that it is often impossible to guess the meaning of the idiom from the words it contains, बिल्कुल सही। R, in addition, idioms have a strong, अच्छा मतलब ये जो sentence है R, ये किसके बाद आना चाहिए, एस के बाद आना चाहिए, तो R S के बाद यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो this is your answer। इसको आप एक बार टैली करके पढ़ लेंगे तो बहुत समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम बताया और आगे इस प्रॉब्लम को जोड़ा कि भाई एक तो बच्चे जो पढ़ते हैं जो idioms पढ़ते हैं उसमें जो शब्द है उसका क्लियर मीनिंग नहीं देता है ना, और उसके बाद जो idiomatic sentence है ज़्यादा stronger impact डालता है non idiomatic phrases के मुकाबले। तो बिल्कुल सही, तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा डी। अच्छा यहां तक आपने जो पढ़ा स्टूडेंट्स, यहां तक आपने जो देखा वो था पैरा रीअरेंजमेंट, यानी पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस होते हैं 5 से 6 जिनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और उनको हमने क्या किया सीक्वेंस से दोबारा अरेंज कर दिया। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम सेंटेंस रीऑर्डरिंग, यानी एक ही सेंटेंस को हमने बाइफर्केट कर रखा है, उसको हमें सही ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको आना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आपका पार्ट ऑफ स्पीच बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है, तो उसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कहता है द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड, अच्छा अब कंपनी सवाल तो पूछा नहीं जा सकता, द फॉर्मल और इनफॉर्मल, अच्छा ये भी नहीं पूछा जा सकता, फॉर देयर ओपिनियंस, फॉर कैसे हो सकता है, तो एम्प्लॉयज, मेरा पहला अगर आर देखूं, एम्प्लॉयज हु आर लीविंग द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड, यानी जो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाते हैं उनसे अक्सर पूछा जाता है, यानी आर के बाद पी आना चाहिए, तो आर के बाद पी ऑप्शन कौन से है, ए में, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर पढ़ के भी देखें क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज हु आर लीविंग द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड फॉर देयर ओपिनियंस ड्यूरिंग द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज, यानी जो लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं तो उनसे जो एचआर होता है वो इंटरव्यू लेता है और उनसे पूछता है कि भाई आपका कंपनी छोड़ने का कारण क्या है। ठीक है, तो ये आंसर आपका बैठ गया। मैंने कैसे गेस किया गाइस, देखो कंपनी से पूछा नहीं जा सकता, मैं ये सेंटेंस इस फ्रेज को पढ़ता द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड, तो कंपनी से नहीं पूछा जाता। अच्छा किससे पूछा जा सकता है, एम्प्लॉय से, यानी जो आप कर्मचारी उनसे पूछा जा सकता है, तो मैंने बोला एम्प्लॉयज हुआ लिविंग, फिर मैंने बोला द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड, यानी ये दो सेंटेंस, ये दो फ्रेज मिलकर, ये दोनों फ्रेज मिलके एक मीनिंगफुल सेंटेंस तरफ मुझे ले जा रहे थे। तो मैंने ऑप्शन में चेक किया कि आर के बाद पी कहां आता है, तो ऑप्शन मुझे एक ही ऑप्शन मिला जिसके बाद जहां पे आर के बाद पी था, और मैंने इसको अपना आंसर बना दिया। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कहता है द हेलस्टॉर्म एक्टिविटी इन द इवनिंग्स, अच्छा जब मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा हेलस्टॉर्म एक्टिविटी इन द इवनिंग्स, तो इससे सेंटेंस स्टार्ट होने से कुछ मीनिंगफुल नहीं बन रहा है। अच्छा अब देखते हैं बी क्यू से, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, एक संभावना है किस चीज की,
देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ हेलस्टॉर्म एक्टिविटी इन द इवनिंग्स व्हाइल देयर कुड बी हैवी रेन टुवर्ड द वीकेंड. क्या ये हो सकता है क्या? तो क्यू से आपके दो स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं, बी और सी, दो ऑप्शन आपके पास है. तो क्यू के बाद एस पढ़िए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी रेन टुवर्ड द वीकेंड. ठीक है, क्यू के बाद एस एक अच्छा सेंटेंस बना रहा है. क्यू के बाद आर पढ़िए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाइल देयर. तो क्यू के बाद आर तो आएगा, क्यू के बाद क्या आ रहा है? एस आ रहा. तो ये जो ऑप्शन है ये आपका आंसर बन गया. कैसे? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी रेन टुवर्ड्स द वीकेंड व्हाइल देयर कुड बी अ हेलस्टॉर्म इन द इवनिंग्स. बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस बना दिया इसने. ठीक है, यानी क्या, जब दो ऑप्शन आपको फर्स्ट अल्फाबेट अगर मैचिंग मिलता है, यानी किसी भी दो ऑप्शन में अगर पहला अल्फाबेट आपका कॉमन है, सिमिलर मिलता है, तो आप क्या करेंगे, उस ऑप्शन को पढ़ के देखेंगे क्या वो क्या बना रहा है. ठीक है, क्या वो सही सेंटेंस तरफ मुझे ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा. यानी ऑप्शंस के हिसाब से आपको जज करना है, ऑप्शंस से आप सेंटेंस को रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, टाइम बहुत कम लेगा और मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे आपको. ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ. अगला क्वेश्चन मेरा कहता है, हैज बीन बिलो नॉर्मल सिंस. ओके, अब देखिए यहां पे सारे ऑप्शन अलग है, आर एस क्यू पी. अगर मैं, यानी मैं अगर पहला सेंटेंस सही गेस कर दूं, पहला ऑप्शन सही गेस कर दूं, मेरे को पूरा बना का बना आंसर मिल जाएगा, बना बना आंसर मिल जाएगा मुझे. कहता है हैज बीन, तो इससे तो होगा नहीं, हैज बीन से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता नहीं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा. द मिनिमम टेम्परेचर, ये आपका नाउन है, आटे के साथ नाउन आ रहा था, मिनिमम टेम्परेचर. तो ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है. तो क्यू देखिए कौन सा ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में क्यू है, इसको पढ़ के देखिए. क्यू के बाद हम पी पढ़ते हैं, द मिनिमम टेम्परेचर हैज बीन बिलो नॉर्मल सिंस लास्ट वीक. ठीक है, सही सेंटेंस मुझे ले जा रहा है. उसका एस क्या बोलेगा, सिंस लास्ट वीक When rain and hailstorm activity recorded in some part of the city. जी बिल्कुल सही, यही मेरा आंसर है सर, बिल्कुल सही. यानी इसने कंप्लीट सेंटेंस मेरा बना के मुझे दे दिया. यानी आपको करना क्या है, ऑप्शन से हिट करने की कोशिश करनी है, ऑप्शन से हिट करेंगे जल्दी हिट होगा. ठीक है, थोड़ा ग्रामर लगाएंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर गेस्ट टीचर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वॉज ऑल्सो हेल्ड अ सिलेक्शन कमिटी मीटिंग. तो देखो मेरे को नाउन चाहिए, नाउन मुझे कहां मिल रहा है, मुझे यहां मिल रहा है, सिलेक्शन कमिटी मीटिंग, ये मेरा नाउन बन गया. ऐसे कौन सा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, पहला वाला पढ़ के देखो, सिलेक्शन कमिटी मीटिंग. आगे क्या बोलता है, फॉर गेस्ट टीचर्स. आगे क्या बोलता है, वाज आल्सो हेल्ड कहां पे, इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अरे सरकार बिल्कुल यही तो ढूंढ रहा था, दिस इज माय आंसर, ये मेरा बिल्कुल सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है गाइस, मुझे कहता है फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट एट कल्चरल सेंटर्स अब्रॉड. ये मेरा नहीं सकता, एज टीचर, एज के बाद अगर आ रहा तो कंपेयर कर रहा है, एज आपका कंजंक्शन का काम करता है, तो ये आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता. एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, एप्लीकेशंस आपका नाउन है, आर इनवाइटेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. अच्छा 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 अच्छा, आर से ढूंढे कौन सा है, ये पहला ऑप्शन आर से आ रहा है. कहता ढूंढिए अब, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, उसका एस आ रहा है, फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर डिप्लॉयमेंट, फिर क्यू आ रहा है, एज टीचर है. बिल्कुल सही सर, यही तो मैं ढूंढ रहा था, दिस इज माई आंसर. यानी आपको सिर्फ पहला सेंटेंस गेस करना है पार्ट ऑफ स्पीच के नॉलेज के ऊपर. आपका कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगा पार्ट ऑफ स्पीच का, ग्रामर का, तो ये क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, देखते हैं अगला क्या है. अगला है थैंक यू. जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद. इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं. बहुत दमदार धमाकेदार कंसेप्ट लेके आने वाला हूं आपके लिए. इसको शेयर कर दो, फैला दो, आग की तरह फैला दो. हर बच्चे के पास ये चैनल का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए गाइस, ये आपको मुझसे वादा है. ठीक है जी, फटाफट इसको करिए गाइस, फटाफट सॉल्व करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. ठीक है, तब तक के लिए महादेव.